Can apply coupon code go riders soon. I'm going to generate a coupon code. Thank you so much. And stay over here, stay in the camp, enjoy the food. Aur aap dekh sakte ho Pawna lake pe hu main. सब्सक्राइब कीजिए द गो राइडर्स चैनल को और बेल बटन को दबाइए नए वीडियो अपडेट के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। मैं शशांक शेखर सिंह, आप सबका वेलकम मेरे चैनल गो राइडर्स में। दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ पावना लेक के बारे में। सो हम मुंबई से जर्नी शुरू कर रहे हैं पावना लेक जाने के लिए। सो इस जर्नी में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा रोड है, कैसे जाना है मुंबई से पावना लेक, और पावना लेक में जो हमने कैंप बुक किया है वो किसके थ्रू बुक किया था हमने, और कितना खर्च आया हमें कैंपिंग में। सो ये सारी चीज़ें इस ब्लॉग में रहेंगी। और मैं हर ब्लॉग में आपसे कहता हूँ दोस्तों कि प्लीज़ 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 सेव गर्ल चाइल्ड, दोस्तों प्लीज़ सेव गर्ल चाइल्ड। तो चलिए गाइज, और हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस ब्लॉग में आपको बहुत ही खूबसूरत सा ड्रोन शॉट भी देखने को मिलने वाला है। तो चलिए गाइज, चलते हैं और ब्लॉग को बिना देरी किए शुरू करते हैं। चलिए गाइज, लेट्स गो। मैं जा रहा हूँ पावना लेक, जो कि यहाँ से 140 किलोमीटर है फ्रॉम मुंबई, और अगर आप पुणे से आ रहे हो तो वहाँ से अप्रॉक्स 40-50 किलोमीटर पड़ता है। सो गाइज, चलिए चलते हैं। गाँव से पवई निकलने में जो कि 10 मिनट का रनिंग टाइम है उसमें लगा 45 मिनट्स, और उसमें प्रिया ने मुझे बहुत ज्ञान दिया, ऐसे काट लो, वैसे काट लो, ऐसे मैं स्कूटी चलाती हूँ तो मैं तुम ऐसे क्यों नहीं चला रहे हो, तुम बहुत स्लो चलाते हो। तो जोक सपाट है, बट ठीक है, मैं स्लो चलाता हूँ भाई, सेफ्टी अपने हाथ में होती है। अगर आप मेरे बात से अग्री करते हो तो कमेंट करके बताओ। शशांक शेखर, शशांक शेखर, हाँ एक मिनट, हाँ गाड़ी उधर लगा दो। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है शाम का, 6 बज रहा है, और आप देख सकते हो पावना लेक पे हूँ मैं। कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है ना, यू कैन सी। ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये सारे कैंप्स हैं। ये जो पीछे दिख रहा है ये मेरा कैंप है, यहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ। और वो यहाँ पे प्रिया बैठी हुई है, और ये फुल पूरा का पूरा ये लेक काफी ज्यादा खूबसूरत है। Thank you.
दिनेश। आपका सर? दत्तात्रेय। दत्तात्रेय। सो आप बताइए मुझे कि आप लोग जो किसके थ्रू बुकिंग करते हो यहाँ का, अगर आना कोई चाहे। ओके, ये बुकिंग ऑनलाइन होता है। pavanacamp.com इज द ऑफिशियल वेबसाइट। यू कैन फाइंड ऑल द डिटेल इंक्लूडिंग ऑल द लोकेशंस फ्रॉम ए बी सी डी, आउट ऑफ विच दिस लोकेशन इज कैंप सी, एंड ओवर हियर लाइक 3 meters अवे यू विल फाइंड कैंप ए विच इज अ कपल सेक्शन। सो दे आर डिफरेंट सेक्शंस ऑन पावना लेक। तो ये मिक्स्ड कैंप बोल सकते हैं, यहाँ पे मतलब कपल्स भी रहते हैं, मिक्स क्राउड, फैमिली भी रहती है, मोस्ट ऑफ द क्राउड मिक्स ही रहता है, बट समटाइम्स वी रिलोकेट फ्रॉम हियर टू देयर लाइक दैट इफ वी फाइंड दैट दिस द फैमिली ओवर हियर एंड बैचलर्स आर ओवर देयर, सो वी पुट फैमिली इन अनदर सेक्शन वेयर इट इज सूटेबल। ओके, सो मान लीजिए अगर कोई मुंबई से आ रहा है तो उसको कौन सा वे लेना होगा, कोई पुणे से आ रहा है तो उसको कौन सा वे से आना होगा? ओके, मुंबई से आने वाले 3 रास्ते हैं। आप पहले तो कामशेत से होके आ सकते हो, जो लोनावला है, लोनावला से ब्रिज से नीचे उतर के फिर कामशेत होके आप फिर यहाँ आ सकते हो। वो सबसे आसान भी है और कंफ्यूजिंग नहीं है, सो दैट इज़ द बेस्ट वे आई कैन से। ये बीच वाला एक शॉर्टकट है बट उसमें बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है, रोड्स भी रोड्स लॉट्स ऑफ पडल्स, सो आई डोंट प्रीफर दैट वे। इफ़ यू हैव अ व्हीकल विच हैज़ अ लो ग्राउंड क्लियरेंस देन गो, डोंट गो फ्रॉम द दुधिवरेखिंड रोड। So prefer Kamshet via Kamshet route, and that has been updated on pavanacamp.com. You go to pavanacamp.com/help and you will find all these route with all the images and the Google map direction. You can find all this location near the Pavana lake and all whatever the description, which route is easy, which route is hard, that is over there only. And the what we can say a shortcut, we can say a quickest way is from the bridge, Rautwadi bridge, but I don't prefer because that is confusing. So best way from coming from Mumbai to over here is go to the Kamshet via Kamshet, then come to Pavana, and from Pune again go to the Kamshet by old Mumbai Pune highway and then come to Lonavala. So that is the best way I can see. You should keep destination as a Kamshet, because when you keep the like what we can place in Lonavala na, अगर गर्ल्स आना चाहती हैं, गर्ल्स गैंग जैसे आती हैं, तो उनके लिए ये जगह कितना सेफ होगा कैंपिंग के लिए? इट्स कम्प्लीटली सेफ। वी ऑपरेटिंग द स्टाफ ओवर इज एक्चुअली अवर फैमिली, सो यू विल गेट अ स्टाफ फ्रॉम द फैमिली। वी आर अ फैमिली ओवर हियर, सो गर्ल्स, इवन सिंगल गर्ल्स कैन कम, फील सिक्योर, शी फील सिक्योर, या एंड इफ यू वांट टू बुक यू कैन बुक ऑनलाइन ऑन pavanacamp.com by paying just 500 rupees per person advance and remaining on arrival, that is 33% advance. And all the viewers can apply coupon code go riders, soon I am going to generate a coupon code. Thank you so much. Acha maan lo ki kuch log paytm se yahan aane ke baad agar pay karna chahe amount, to wo bhi there are lots of options. Paytm may be like sometimes we find paytm payment difficult because of some kyc, somebody not having kyc, so the best way to pay us is through credit card, debit card. If not, then manual bank transfer, Tej, UPI, phone pay, whatever the manual, whatever the manual bank transfer, we'll accept everything. Yeah. Thank you so much. Welcome, sir. You apply coupon code Go Riders. Bye. सुन लिया ना आपने? सब्सक्राइब करो नीचे, लाइक दबाओ, सब्सक्राइब. Thank you so much. Welcome. मैंने प्रिया पराशर हंस दो यार मेरे सब्सक्राइबर्स, स्माइल देखना चाहते तुम्हारे। Thank you.
गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह हो चुकी है, आप देख सकते हो टाइम हो रहा है सुबह का 7 बज रहा है और अभी हम हैं पावना लेक पे। आप पीछे मेरे देख रहे होंगे कितना खूबसूरत सन व्यू आ रहा होगा आपके सामने। और ये कैंप्स है जहाँ पे हम नाइट स्टे, हमने रात को स्टे किया था। और पीछे देखो सी, सो इस वीडियो के साथ बने रहे, व्लॉग को एंजॉय करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है goriders_shashank और फेसबुक पे गो राइडर्स के नाम से मेरा फेसबुक अकाउंट है। सो चलिए आगे के व्यूज़ देखते हैं, लेट्स गो। लास्ट ईयर यहाँ पे कुछ लोगों को, 4 बंदे थे जो डूब गए थे, जिसमें 2 को बचाया गया था और 2 की डेथ हो गई थी डूबने से। सो इस कारण से यहाँ पे बोटिंग और कैकिंग जो चीज़ें होती थी वो बंद हो चुकी है। बट कैंपिंग के लिए बेस्ट मुंबई से अगर आप आते हो या पुणे से आते हो तो बेस्ट जगह कैंपिंग के लिए एक यहाँ पे है और एक है भंडारधारा कैंपिंग। सो 2 जगह आप कैंपिंग कर सकते हो महाराष्ट्र में, जहाँ तक मुझे पता है। सो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है ये पीछे, और हमारा जो कैंप था एकदम लेक के किनारे ही था। सो बहुत ही खूबसूरत सभी आ रहा है जमा जमा के। ये देखिए, आप खेल भी सकते हो और खेलना चाहते हो तो एंजॉय करना चाहते हो तो बैडमिंटन और वॉलीबॉल और आर्चरी, ये सब चीज़ें हैं। गाइज़ ये मॉर्निंग में आप देख रहे हो, ये पोहा, हमें पोहा सर्व किया गया है। पोहा है एंड ब्रेड एंड बटर है। ज़ियोन का जो गिम्बल है उससे मैं शूट कर रहा हूँ टाइम लैप्स, तो इस वीडियो में टाइम लैप्स भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत खूबसूरत सा। सो गाइज़ हमने जो बुकिंग की थी वो pavanalake.com से की थी। हमें जो कैंप मिला था वो सी कैंप मिला था, देख सकते हो कितना खूबसूरत जगह पे इन्होंने सी कैंपिंग की हुई है, पूरा लेक के पास, मतलब लेक व्यू है जी। और ये जो है हमें प्राइस पड़ा था 1500 पर पर्सन। हमारे इस एक कैंप में 2 लोग और 1 बच्चा आराम से फिट हो सकते हैं। मेरी हाइट है 6 फीट, मैं भी आराम से सोया था इसमें, प्रिया 5'7" है, ये भी आराम से सोई थी, और बच्चा जो है नहीं है तो बच्चे के लिए भी आप, अगर आपके पास आपका किड है तो 1 किड आपके साथ एडजस्ट आराम से कर सकता है। हमें बताया गया था बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन बिकॉज मैं नॉर्थ से हूँ इसलिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं लगी रात को। अगर आप चाहो तो ब्लैंकेट्स लेके आ सकते हो, नहीं लेके आओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर बच्चा आपके साथ तो प्लीज़ कैरी कर लेना अपना एक वार्म ब्लैंकेट। सो गाइस यही था, और बाकी चलिए इंजॉय कीजिए ड्रोन शॉट, चलिए इंजॉय कीजिए। Lake is some 180 kilometers away from Mumbai and it is roughly 4 hours drive from Mumbai, and I guess by seeing the beauty around it I feel it's a must visit place for like a one night. Definitely come and stay over here, stay in the camp, enjoy the food, and most of all I think you should enjoy the silence which surrounds this place, because the chaotic noise, the chaotic life which we see in Mumbai or in any other cities, it is totally in opposite over here. Of course one should come. The drive is relatively easy. I think the last 10 to 15 kilometers probably from Lonavala to Pavana Lake, the roads are in a bad condition, but yeah, that's nothing, because even in cities we find lot and lot of roads which are like in a very bad condition. So yeah, definitely you should come here, spend some time with your loved ones and do some activities like playing badminton, volleyball,
handball, carom. Yeah, and just I think it's a place where you can enjoy your 14 to 15 hours of life without internet, and I think that's the biggest boon as of now, because you'll not most of the time the network doesn't work over here. So yes, you can go a day without mobile phones. So that is also an additional point to come.